सरकार की भूख ने इमरान एंड कंपनी को बेहाल किया है। जब घर से बाहर निकलने का वक्त आता तो ये पुशअप लगाने शुरू करते हैं। कौमी असेंबली में तो तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा साद रफीक को बोलने नहीं दिया। इजलास मुलतवी हुआ तो उन्होंने बाहर आकर अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। इमरान खान को शदीद हथवे तनकीद बनाया तो दबे अल्फाज में खुर्शीद शाह को भी बहुत कुछ कह गए। 72 में ख्वाजा मोहम्मद रफीक को उनको शहीद किया गया था दिन दहाड़े। क्या जुर्म था मेरे वालिद का कि वह भुट्टो साहब की सिविल आमरियत को तनकीद करते थे? आपने तो लोगों की गर्दनें काटी हैं। हमने जमहूरियत के लार्जर इंटरेस्ट में आपकी पार्टी को भी बहुत से खून माफ किए हैं और ये टॉलरेंस की कहानी एक तरफा नहीं है, इट इज अ टू वे ट्रैफिक। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सबूत की गर्दान करने वालों के पास अखबारी तराशों के सिवा कुछ ना निकला। उन्होंने वजीर आजम के असम्बली के बयान का भी दिफा किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की और जो अदालत में हमने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम पूरे जिम्मेदारी से बात कहते हैं। वजीर रेलवे ने कहा कि पहले पैनामा पर कमीशन का मुतालिबा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की बात की तो मुकर गए। हमारा सियासी बयान सच पर मबनी होता है, हम सच पर मुश्तमिल बात करते हैं और हमारी सियासत सच की सियासत है। इमरान की तरह गिरगट के तरह रंग बदलने की सियासत हमारी नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ने स्पीकर की रूलिंग को कानून के मुताबिक करार दिया और अपोजिशन को भी पैनामा तहकीकात के लिए मुजाकरात करने की दावत दे दी।